टीचर्स की मेहनत रही, पेरेंट्स का सहयोग रहा, रविवार को भी सर बुलाया करते स्कूल में, अच्छी मेहनत कराई, अच्छे अंक प्राप्त किए सर। वो तो अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में, बार बार प्रैक्टिस, इतने ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, मतलब टीचर का बहुत ज़्यादा सहयोग है बस यही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस, मैं अनिल खत्री इस समय विद्यासागर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावड़ में मौजूद हैं। 10वीं क्लास का जो रिजल्ट आया है तो यहाँ के योगराज हैं जिन्होंने पूरे ज़िले में टॉप किया, हमारे साथ स्कूल के संचालक हैं दलवीर जी। सर, किस तरह का रिजल्ट इस बार रहा है? रिजल्ट सर अपेक्षा के अनुसार बहुत बहुत बढ़िया रहा है और हमें पहले से आभास भी था क्योंकि बच्चों की मेहनत थी, अध्यापकों ने बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी और उम्मीद तो हमें पूरे 500 अंकों की भी थी, 500 अंक की थी, बाई चांस एक दो अंक के जो है ना रह गया, बाकी हमने ये लगा जिले की बात नहीं प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि असल तो दूसरा स्थान है और नहीं तो 500 का फर्स्ट मान लो, 499 का सेकंड मान लो, 498 पर तीसरी पोजीशन तो प्रदेश में है सर हमारी। और ये प्रदर्शन दोबारा फिर रिपीट हुआ है, पिछले साल भी जो है ना हमारे 10वीं में जिले में हमारा दूसरा स्थान था, प्रदेश में चौथा स्थान था और प्लस टू के जिले में यहाँ इस विद्यालय की एक लड़की फर्स्ट स्थान पर थी। और इसके अलावा जो ये और भी छात्र हैं ना जो ये कॉमन रूप से ये तीन 90% या मेरिट की बात करें सर, ओवरऑल रिजल्ट आप बताइए कितने बच्चे थे आपके? ओवरऑल रिजल्ट में सर 9 बच्चे हैं 95% से ऊपर जी, और 17 बच्चे हैं 90% से ऊपर और 36 बच्चे हैं 80% से ऊपर। परीक्षा परिणाम 100% है और मैं इस अवसर पर अभिभावकों का या जो हमारे सरपंच हैं, गांव के गुआंड के गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने आकर इनको आशीर्वाद दिया है, मैं इन सब का धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करेंगे कि हम इस बार बार अच्छे अंक दिलाते रहें और ये आकर इन बच्चों को आशीर्वाद देते रहे। आपका जो रिजल्ट रहता है, खास बात रहती है आपके स्कूल की, इसमें क्या खास आप रखते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले साल जो अच्छा रिजल्ट आया इन बच्चों ने उनसे प्रेरणा ली है और ये प्रेरित हुए हैं, अध्यापक भी प्रेरित हुए हैं और बच्चे भी प्रेरित हुए हैं, इनके अंदर एक जुनून जगा है कि जैसा हमारे सीनियरों ने करा है ना ऐसा ही हमने करना है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, मोटिवेशन मिला है जी जी। योगराज है जिन्होंने 498 अंक लेकर जिले में टॉप किया है, योगराज कैसे तैयारी की, कैसा लगा? बस सर, टीचर्स की मेहनत रही, पेरेंट्स का सहयोग रहा, रविवार को भी सर बुलाया करते स्कूल में, अच्छी मेहनत कराई, अच्छे अंक प्राप्त किए सर। कब से पढ़ रहे हैं विद्यासागर की बात करें, कितने साल हो गए? मैं नर्सरी से यहीं पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ाई फर्स्ट क्लास है यहाँ पर, हर बार टॉप होता है। तो टॉप आने के लिए क्या करना पड़ता है, इतने अंक आपने लिए हैं? बस सर, टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करो और पढ़ते रहो सर। तो आगे क्या सपना है आपका? आगे सर जेईई मेंस एडवांस करके IIT में BTech करना है सर। क्या नाम है? योगेश नाम है सर मेरा। अच्छा, आपका भी योगेश है, कितने नंबर है? योगराज। अच्छा, योगराज 491। ओके, तो क्या बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए? अच्छा लग रहा है, मेरे टीचरों का ऐसा ही होगा, इतने नंबर आए, सीनियरों से प्रेरणा ली है, प्रेरणा देंगे। तो विद्यासागर में कितने साल हो गए पढ़ते हुए? फोर्थ क्लास में आया सर। फोर्थ क्लास में, कैसा स्कूल है? एक नंबर का स्कूल है सर। एक नंबर है, कैसे टीचर, कैसे सर? टीचर बढ़िया सर, टीचरों की आया परिणाम सर बढ़िया। ओके, तो जो दो गुड़ियां हैं इनके भी यहाँ अच्छे नंबर आए हैं, क्या नाम है गुड़िया? सेनू। अच्छा, कितने नंबर आए हैं? 98.2%। अच्छा, क्या बोलना चाहोगे, कैसा स्कूल है, कैसे पढ़ाई की? बार बार प्रैक्टिस करने से मतलब इतने नंबर आए, इतने ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, मतलब प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, रविवार को भी स्कूल लगता था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है, टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है, बस यही कारण है। तो कब से पढ़ रहे हैं स्कूल में आप? फर्स्ट क्लास से। बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में, बार बार प्रैक्टिस, इतने ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, मतलब टीचर का बहुत ज़्यादा सहयोग है, बस यही। तो क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। आपका क्या नाम है? मनु। अच्छा, कितने नंबर आए आपको? 98.2%। अच्छा, तो कैसे स्कूल में तैयारी करवाई जाती है, कैसे आपने पढ़ाई की? पढ़ाई खुद से कुछ, बस वही जो टीचर्स की गाइडलाइंस थी उनको फॉलो करके खुद भी थोड़ी मेहनत की, हर बार रविवार को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, शाम को भी उनमें प्रैक्टिस पेपर होते थे, वे किए, बस टीचर्स का ने जो करवाया वो किया।
इससे ही बस हो गया सब कुछ। ओके, तो कैसा स्कूल है ये? स्कूल बहुत अच्छा है, हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं, मेरे भाई बहन भी यही पे है, सब हमारे आसपास सबसे अच्छा स्कूल है। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। गांव के सरपंच हमारे साथ, सरपंच साहब आप भी पहुंचे हैं, बच्चों को सम्मानित किया है और बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है विद्यासागर का आया, क्या बोलना चाहोगे? आपका और आपके दर्शकों का मेरे गांव में आने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दलबीर जी तो मेरे गांव का नाम रोशन पहले से भी रखता है, पिछले साल भी मेरे ख्याल सेकेंड पोजिशन थी इसकी, तो इसका गांव से भी जुगर लाले कोऑपरेट करके स्टाफ की भी निगरानी खुद रखता है 24 घंटे, बच्चों की भी निगरानी, ना कोई आज तक स्कूल में कोई दिक्कत नहीं आई है, ना कोई झगड़े की, ना कोई, और प्लस टू का स्कूल है। तो एक इसमें लालू शुरू ऐसे थी भाई को प्रेरणा, हम जिस लाइन में जाऊँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, वह उसमें गाँव का भी भला और मेरा भी भला हो, तो बहुत अच्छा ईमानदार है। 10 रुपये कोई गरीब के कह दें छोड़ भी देता है, फीस में भी न्यू भी नहीं वह कहती चपटके मरा है, मतलब हाँ मेरे गांव का कर यार, मतलब दलबीर जी को और दलबीर जी का पूरा इसको मतलब इसको स्टाफ को और बच्चों को भी मेरी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, वही ने सब ने मेहनत करके गांव का नाम हरियाणा में रोशन करा, जिला में टॉप करा। योगराज के पिताजी हमारे साथ हैं, आपके बच्चे ने जिस तरह से जिले में भी टॉप किया, बड़े अच्छे नंबर उनके आए हैं, क्या लग रहा है, कैसा बोलना, क्या बोलना चाहोगे, कैसा आपको लग रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल में के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। मैं तो यही बोलना चाहूँगा जी, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की है उसको नर्सरी में यहीं पर एडमिशन कराया था, उसके बाद 2 लड़के हैं, लड़की ने भी 10वीं में 94% मार्क लेके पास की थी, प्लस टू में 98% मार्क लिए थे, उसके बाद लड़के भी यहीं से EBC लड़के ने 99.6 पॉइंट लेकर के 10वीं की है, छोटा लड़का भी 10वीं के में इसके साथ था, उसको भी 98% नंबर आए हैं, वो भी यहीं पर मौजूद है। इसमें तो हमारा देखा था स्टार्टिंग से ही बच्चों की पढ़ाई जो दलबीर जी ने कराई और इनके जो शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छे टीचर रखते हैं और अच्छा स्टाफ, बिल्कुल बढ़िया, हमको संतुष्टि है जी यहाँ पर बच्चे पढ़ाने में, कम फीस पर बहुत बढ़िया शिक्षा मिल, बिल्कुल जी बिल्कुल, जितने पैसे दे दिए ने वहाँ कम भी दे दिए, हमारी फसल नहीं हुई तो मास्टर जी का गाट ले लो, इन में भी काम चल रहा जी हमारा जी। सरपंच साहब आप भी पहुंचे हैं, आज बहुत हर्ष और खुशी का दिन है, ये 10वीं का रिजल्ट आया, हमारा पोता जो हरियाणा में बोलना है, हम तो अगर हरियाणा में फर्स्ट लेवल पाया लड़का, ये स्कूल है जो विद्यासागर है, इसमें हमारे गांव से काफ़ी बच्चे आते हैं और अच्छी पढ़ाई मिलती है यहाँ, शिक्षक और जो शिष्य हैं उनका तालमेल बहुत अच्छा है इस स्कूल का, और कम फीस में यहाँ पढ़ाई हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, पिछली बार भी हम यहाँ आए थे, अब की बार भी बहुत अच्छा है।